सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Everybody sing that shit। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ऑल इन वन के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर बैटरी के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक और आपको पेपर बैटरी के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। दोस्तों, पहले के टाइम पे जो मोबाइल होते थे वो हैवी होते थे। क्यों हैवी होते थे? क्योंकि उसमें हम जो बैटरी का इस्तेमाल करते थे वो साइज़ में बड़ी होती थी और थोड़ी मोटी भी होती थी, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि हमें इफ़िशेंसी भी इतनी नहीं मिल पाती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नए नए स्मार्टफोन आते गए, तो यहाँ पे अब क्या होने लगा है कि जो बैटरी की साइज़ है वो रिड्यूस होने लगी है, पतली होने लगी है और साथ में उसकी इफ़िशेंसी और पावर भी बढ़ने लगी है। अब साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी के पीछे रिसर्च कर रहे हैं और या इसके कुछ हद तक वो प्रूफ भी हो चुकी है कि पेपर बैटरी के बारे में। अब पेपर बैटरी क्या होगा कि जो आपका पेपर होता है उसी की तरह वो पेपर बैटरी भी इतनी पतली होगी, फ्लेक्सिबल होगी और बहुत थिन होगी, जिसके अंदर एनर्जी को हम स्टोर कर पाएंगे। और ये जो डिवाइस है वो कैसे बनाया गया है कि यहाँ पे कार्बन की कुछ नैनो ट्यूब, छोटी ट्यूब का इस्तेमाल किया और साथ में जो सेलुलोज का एक शीट ली है, सेलुलोज का एक पेपर लिया है, उसको कॉम्बिनेशन करके इस हाई एनर्जी बैटरी को बनाया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा हुई है और साथ साथ में इसको हम रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी फ्लेक्सिबल डिवाइस में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस बैंड के बारे में। फिटनेस बैंड हर जगह एप्पल का फिटनेस बैंड आता है, बहुत सारे दूसरे सैमसंग का ये सारा फिटनेस बैंड आता है। तो वहाँ पे जो बैटरी होती है वो अगर हमारे पास फ्लेक्सिबल बैटरी या पेपर बैटरी का इस्तेमाल हम कर सके तो वहाँ पे उसकी साइज रिड्यूस होगी और साथ साथ में वो एक अच्छा टच देगा, हमें अच्छा सा एक्सपीरियंस देगा। साथ में जैसे मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फोन्स में अगर बैटरी की साइज और ज़्यादा रिड्यूस हो पाए तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी साइज इतनी स्लिम हो जाएगी कि वो सिर्फ आपका मदरबोर्ड ही, जितना मदरबोर्ड कितना पीसीबी आपका पतला होता है उतना पतला हो जाएगा। साथ में ये जो पेपर बैटरी है वो क्या करती है कि दो कंपोनेंट्स, जैसे एक सुपर कैपेसिटर और साथ साथ में बैटरी, जैसे पास्ट के टाइम पे बात करें तो हमारे पास बैटरी अलग होती थी और कैपेसिटर अलग होता था। बट इस टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया गया है कि जहाँ पे बैटरी और कैपेसिटर दोनों को मिक्स कर लिया गया है, जिसकी वजह से ये कुछ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये थिन डिवाइस हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो दो पार्ट्स लगते थे पहले वो एक पार्ट लग रहा है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आगे के डिवाइस के अंदर। और कहीं ज़्यादा र्यूमर भी है कि जो नोट 9 आपका जो गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 आएगा वो भी एक फोल्डिंग डिवाइस आ सकता है, तो उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पेपर बैटरी क्या होती है कि वो फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी जगह आप उसको मोड़ सकते हो और ये नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ेगी। जितने भी आपके फ्यूचर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आएंगे उसमें आपको पेपर बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पेपर बैटरी के बारे में अच्छा खासा सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं आगे ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और साथ में अपने दूसरे दोस्तों का शेयर भी करना ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, और अगर आपको कहीं सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, और कोई और अगर कोई रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो और रोबोट बनाना चाहते हो तो आपको रोबोटिक किट्स की ज़रूरत होगी, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो। साथ में कुछ अच्छे स्टफ जैसे आर्डुइनो है, बहुत सारे अच्छे स्टफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। पर अभी तक आपने हमें गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं किसी अच्छे आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ वहाँ पे भी, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के कुछ लेक्चर्स होंगे, उसकी वीडियो की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और हैप्पी दीपावली। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप इस चैनल की फ्यूचर की सारी वीडियो को देख सके। दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।